हेलो एंड नाउ मैं फिर से एक बार बोलूंगा आप लोगों को कि अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस ऑटोमेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पिछली वाली सारी वीडियोस को एक दफा देख लीजिए, बिकॉज आई हैव डिस्क्राइब ऑल द टर्म्स इन वेरी डिटेल मैनर। तो वो वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम, और कहाँ पे टाइम प्लॉट होना है, कहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट होना है, ये बातें मैं कर चुका हूँ। ग्रेडियंट क्या है, ये बातें भी मैं कर चुका हूँ, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। तो काइंडली आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग्स इन दिस वीडियो। वो सारी चीजें आपने देखी है, मैंने सिर्फ उनको रीइंफोर्स करवा देना है यहाँ पे। अब हमारे पास दो से तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो से तीन चीजें हैं? बस जो गाइडलाइन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ अ ग्राफ। आपने ये कंक्लूड करना है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप कैसा है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसके शेप कैसा है, अगर वो एक्सेलरेट कर रही है और अगर वो डीसेलरेट कर रही है तो उसका शेप कैसा है। ये चीजें आपने याद रखनी है। दूसरा कि अगर मैं इन ग्राफ का ग्रेडियंट निकालता हूं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल जाती है, और तीसरा जो कि हम स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काइंडली वॉच माई वीडियोज बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू दिस वीडियो। तो हमारे पास सबसे पहला केस है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी ए पे थी, वो ए से बी पे आई, मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट करी ए से, उसने बी तक पहुंचने में इस 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 मिनट लगा दिया और मैंने स्टॉपवॉच ऑफ कर दी, लेकिन उसके बाद वो हिली नहीं। 2 मिनट बाद में उसको देखता हूँ, इट इज एट 4 मीटर। 3 मिनट बाद में उसको देखता हूँ, इट इज एट 4 मीटर। तो ये डेटा है मौजूद है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा स्केलिंग करके, डिस्टेंस ऑन द वाई, टाइम ऑन द एक्स, तो मुझे 1 पे भी 4, 2 पे भी 4, 3 पे भी 4, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही, और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के वो किस में था, रेस्ट में था। जब वो रेस्ट में होता है तो शेप कैसी होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, आई स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट निकालता हूँ, नो स्टीपनेस, ओके नो स्टीपनेस, तो ग्रेडियंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या आएगा, 0 आएगा। और ये है भी अभी किस में, ये है भी अभी रेस्ट में। अगली ग्राफ पे जब मैं जाऊंगा तो मैं समझाऊंगा फिर ग्रेडियंट बेसिकली, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो आता क्या है। नाउ नेक्स्ट केस, बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मींस यूनिफॉर्म स्पीड, और उसका मतलब आप सबको पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ देखें, अगर आप हर सेकंड का डिस्टेंस देखें तो वो 4 मीटर बन रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। और अगर मैं टाइम को 1 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, इट मींस दैट इज द केस दैट स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, और ए ग्राफ को देखिएगा तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखें, अगर मैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो वाई पे कौन सी वैल्यू है, डिस्टेंस है, एक्स पे कौन सी वैल्यू है, टाइम है, यानी किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होता है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये तो स्पीड होती है सर। तो ये दूसरा बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो यानी हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन एनी पर यूनिट टाइम आता है, हाउ मच वाई इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो जो ग्रेडियंट होता है, वो जो स्लोप होता है सर, वो क्या होता है, स्पीड होता है। देखिए, अब मैंने आपको स्टीपनेस के बारे से बताया था, यहाँ पे मैंने ये जस्ट दो ग्राफ कंपैरिजन के लिए
बनाए हुए हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालना है पिछली वीडियो में मौजूद है। तो ए ज्यादा स्टीप है या बी ज्यादा स्टीप है सोचा। तो देखे ए पे अगर आप स्लाइड करेंगे ज्यादा स्पीड से नीचे आएंगे एज कम्पेयर टू द बी, तो ए ज्यादा स्टीप है यानी किस बॉडी के ग्रेडियंट बड़ा है ए का, तो किस कौन सी बॉडी ज्यादा तेज स्पीड से मूव कर रही है, ग्रेटर स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज बॉडी ए। तो दैट इज हाउ यू कंपेयर द स्पीड बाय यूजिंग दिस ग्राफ। और जब ये स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप ऐसी है तो इट इज मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड, और जब वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगी नहीं बाबू, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो ऐसे सवालात आएंगे आपके पास, ये ना समझेंगे नहीं आएंगे, ऐसे ही सवालात आएंगे, शेप्स दिए गए होंगे, वहां प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी और आपने जस्ट जज करके बताना होगा कि इस रीजन में ये एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही, किस रीजन में यूनिफॉर्म स्पीड पे है कहाँ पे रुकी हुई है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू टू फोकस ऑन टू द शेप। ओके सो नाउ लेट्स मूव अहेड, बाकी सब चीजें आपको पता है, ये बहुत भरी हुई आपको इस पर ग्राफ नजर आ रही है क्योंकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं पे दी थी जब मैं ये बना रहा था, लेकिन आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है तो आप उसमें देख सकते हैं। अब देखें जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अब नॉन यूनिफॉर्म के दो केसेस हो सकते हैं, एक तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और अभी हम वही चीज देख रहे हैं कि एज टाइम पासेस वो ज्यादा हर सेकंड में या हर मिनट में वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है। पहले वाले में 5 किया, फिर 15 किया, फिर 25 किया, फिर 35 किया, इट मींस स्पीड इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कवरिंग अ ग्रेटर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो ये वाला केस स्पीड का बढ़ना क्या है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो इस तरीके से आएगा, इंक्रीजिंग कर्व आएगा, कौन सा कर्व आएगा, इंक्रीजिंग कर्व, पिछली वीडियो में याद रखो। तो पहली कॉन्क्लूजन कि अगर तुम्हें इस तरीके का कर्व नजर आता है, बढ़ने वाला कर्व, इंक्रीजिंग कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, मार्क माय वर्ड्स, स्पीड बढ़ रही है जब कर्व नजर आ रहा है, कौन सा ये वाला, इस कर्व की डिटेल में दे चुका। ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालनी होगी ना, क्योंकि ग्रेडियंट बेसिकली स्पीड है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब इट वन मोर टाइम, सो जस्ट वॉच माय लास्ट वीडियो। अब नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि चेंजिंग स्पीड है, लेकिन बजाय स्पीड बढ़ने के कम हो रही है, और जब स्पीड कम होती है तो उसको बोलते हैं डीसेलरेशन। तो अब इस डेटा को जरा गौर से ऑब्जर्व किए, पहले मिनट में या पहले सेकंड में 45 का डिस्टेंस, उसके अगले सेकंड में 35 कम डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसके अगले सेकंड में 25 और उसके अगले सेकंड में और कम डिस्टेंस ट्रैवल करा, दैट इज 15, यानी कि अगर वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अब उसकी स्पीड कम हो रही है। और ये कर्व कैसा कर्व होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे कर्व को बिल्कुल जीरो दिखा दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अभी फिलहाल ये स्ट्रेट जो है वो शायद ना हुआ हो अकॉर्डिंग टू माई डेटा, तो ये चीज आप जरा कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। तो ये आपका जो है ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ता नहीं गया, ये बेसिकली डिक्रीजिंग कर्व है। यस डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका रेट क्या है, जिस रेट पे वो बढ़ रहा है वो रेट कम होता जा रहा है, ये डिक्रीजिंग कर्व है, ये मैंने बताया था। और जब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई है एट डिफरेंट पॉइंट्स, मैंने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करा हुआ है, तो जब आप सी पे देख रहे हैं तो बी पे देख रहे हैं तो ग्रेडियंट कम होता जा रहा है और पॉइंट ए पे ग्रेडियंट जीरो हो गया है। तो ये वाला शेप अगर आपको मिले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो याद रखिएगा या डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो तो बढ़ रहा है वो, लेकिन उसकी स्पीड कैसी है, ग्रेडियंट कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यानी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, और स्पीड डिक्रीज होने का मतलब दैट द बॉडी इज डीसेलरेटिंग। तो ये कर्व आपको डीसेलरेशन बता रहा है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ऐसा मिले, और ऊपर वाला कर्व आपको बता रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हमारे पास शेप।
मिलते हैं।